तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए देसी गाय का मक्खन लेकर, इसके स्वास्थ्यवर्धक फायदे लेकर। जी हाँ, इससे पहले कि मैं आपको इसके फायदे बताऊँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और आयुर्वेदा एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल में आपका स्वागत है। मक्खन खाने के बारे में आजकल डॉक्टर्स जो अफवाहें फैला रहे हैं कि हाई कैलोरीज होता है, हानिकारक होता है, जबकि भारतीय देसी गाय के गौ माता के दूध का मक्खन जो है सैकड़ों चमत्कारी गुणों की खान है। हाँ, एक और विदेशी जर्सी गाय, जिसे आप डुक्कर कह दें, सुअर गाय भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सुअर के जीन से वैज्ञानिकों ने विकसित किया गया है, और ज़्यादा दूध देने के चक्कर में भैंस का मक्खन फायदेमंद के बजाय नुकसानदायक होता है, वहीं भारतीय जो है देसी गाय का मक्खन अमृत के समान है और सैकड़ों बीमारियों को ठीक करता है। मत कर, जो छाछ बनाते समय जो मक्खन निकलता है उसे तपाकर ही घी निकलता है। यहाँ पर दिए गए सारे सिर्फ फायदे देसी गाय के मक्खन के बारे में हैं। आइए जानते हैं, संतुलित मात्रा में खाएं और चमत्कारी इसके गुणों का फायदा उठाएं। तो मक्खन हमारे ब्रेन के विकास के लिए, याददाश्त बनाए रखने के लिए बहुत ही सहयोग करता है, दिमाग को ठंडक पहुंचाता है और क्रोध को शांत करता है। मक्खन जो है वृष वर्ण के उत्तम करने वाला है। जी हाँ, और बलकारी, अग्नि प्रदीप, राही, वात, पित्त, रक्त विकार, क्षय, बवासीर, लकवा अथवा खांसी को भी नष्ट करता है। मक्खन आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने और पेट संबंधी सभी रोगों को दूर करने में सहायक होता है। मक्खन में मधु और मिश्री मिलाकर खाने से कई रोगों में लाभ मिलता है। कि अगर आपकी आंखों में जलन हो तो गाय का मक्खन आप आंखों पर लेप कर लें। जी हाँ, आराम मिलेगा। मेडिकल रिसर्च काउंसलिंग के शोध के अनुसार जो मक्खन का सेवन करते हैं उनके दिल के रोगों की रिस्क आधा हो जाता है। इनमें विटामिन ए, डी, के टू और ई के अलावा लेसिथिन, आयोडीन, सेलेनियम जैसे तत्व तो अच्छी मात्रा में होते हैं, जो दिल की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। देसी गाय का दूध, अगर दूध का मक्खन निकाल कर अगर हम संतुलित मात्रा में खाएं तो मोटापा घटता है। जी हाँ, हर चीज़ की अति तो बुरी होती है, लेकिन इसका एक मापदंड है, आप रोज अपनी डाइट में कम से कम 50 ग्राम मक्खन शामिल करें। मक्खन में मौजूद फैटी एसिड, कैचुलेटेड और लिनोलिक एसिड कैंसर से बचाव करते हैं, बहुत ही मददगार होते हैं। यह जो है एसिड ट्यूमर से लेकर कैंसर तक के उपचार में मददगार हो सकता है। मक्खन में विटामिन, मिनरल, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। दांतों और हड्डियों से जुड़े रोगों में, खास तौर कर ऑस्टियोपोरोसिस के उपचार में इसका सेवन बहुत ही फायदेमंद है। आयोडीन जो है बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो थायराइड के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन ए भी थायराइड के ग्लैंड को मजबूत बनाता है। मक्खन में मौजूद सैचुरेटेड फैट्स जो है फेफड़ों की मदद करते हैं, और दमा के मरीजों के लिए भी इसका सेवन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना। मक्खन को बालक और वृद्ध सबके लिए ही अमृत के समान माना गया है। कहीं जल जाने पर मक्खन लगाएं, बहुत फायदेमंद होगा। ताजे मक्खन से शिशु की मालिश करें और आधा घंटा सुबह धूप में लिटाने से सूखा रोग नहीं होता। जी हाँ, ये बता दूँ आपको मैं, पर रोजाना, जी हाँ, मक्खन लगाकर मालिश करने से आधे घंटे बाद गुनगुने पानी, गर्म पानी से धो लें, चेहरे की त्वचा का रंग साफ हो जाता है। फोड़े, फुंसी, झाइयाँ जो भी अगर हो गई हो तो वो भी ठीक हो जाती हैं। दुबले बच्चे, युवक युवतियों को प्रतिदिन मक्खन मिश्री 1-1 चम्मच या अपनी पाचन शक्ति के अनुसार सुबह खाली पेट खाना चाहिए। देर तक रखा हुआ खट्टा दुर्गंधित मक्खन सेवन योग्य नहीं होता, इसे ताजा ही मक्खन खाएं। यक्ष्मा, टीवी से ग्रसित रोगियों के लिए मक्खन खाना लाभदायक होता है। मक्खन में मिश्री को बराबर मात्रा में मिलाकर 2 चम्मच रोजाना सुबह शाम सेवन करने से हाथ पैरों की जलन में आराम मिलता है। गाय के दूध का मक्खन और खड़ी शर्करा का सेवन करने से जीर्ण, ज्वर, पुराना बुखार दूर हो जाता है। मक्खन के साथ शहद और सोने के वर्क को मिलाकर खाने से क्षय रोग अर्थात टीवी में लाभ मिलता है एवं शरीर में शक्ति पैदा होती है। के दूध का मक्खन और तिल का सेवन करने से, जी हाँ, बवासीर में लाभ होता है। मक्खन में शहद और खड़ी शक्कर मिलाकर खाने से खूनी बवासीर ठीक हो जाती है। मक्खन, नाग केसर और खड़ी शक्कर मिलाकर खाने से खून
खूनी बवासीर में आराम आता है। दही में मक्खन मिला लें, फिर इसकी छाछ में थोड़ा सा सेंधा नमक और जीरा मिलाकर पीने से अर्श बवासीर रोग ठीक हो जाता है। आपकी आंखों में जलन हो रही हो तो आंखों के ऊपर मक्खन का लेप करने से आंखों की जलन दूर हो जाती है। यदि खुरासानी, अजवाइन का दूध या भिलावा आंख पर पड़ गया हो तो गाय के दूध के मक्खन को आंख में काजल की तरह लगाएं, जलन शांत हो जाएगी। आंखों पर मुझे डर लग रहा है। आपको भी कोई बीमारी है तो लगभग एक ग्राम का चौथा भाग तो पता नहीं मार मूर ना स्वर्ण बसंत मालती सुबह शाम मक्खन मिश्री के साथ सेवन करने से आंख आना, आंखों में कीचड़ जमना, आंखों की रोशनी कमजोर होना आदि रोग दूर हो जाते हैं। अगर आप मक्खन से आपके सर की मालिश करते हैं तो आपके बाल मजबूत होते हैं, लेकिन आप अगर आपके कोई इन्फेक्शन है बालों में, स्किन में, तो उसके साथ हल्दी मिलाकर उसकी सर पर मसाज कीजिए, आपके जो एंटी फंगल कोई भी इन्फेक्शन होगा वो दूर हो जाएगा। मक्खन को बच्चों के मसूड़ों पर मलने से दांत निकलने में आसानी होती है। एक ग्राम का चौथा भाग यशद अर्थात दस्ता भस्म मक्खन और मलाई या शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम अगर आप इसे आंख में लगाने से पैतिक पित्त से पैदा हुई रथौंधी रात में ना दिखाई देना जैसे रोग दूर हो जाते हैं। चिरमी के फूल का चूर्ण बनाकर इसके चूर्ण को घी या मक्खन में मिलाकर छालों पर लगाने से, इसको रोजाना दिन में 2-3 बार लगाने से आपके छाले ठीक हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। किसी को हकलाने की बीमारी है तो काली मिर्च का चूर्ण मक्खन में मिलाकर रोजाना सुबह खाली पेट खाएं, इसके प्रयोग से आपका हकलाना बंद हो जाएगा। दिन में 3-4 बार मक्खन और चीनी मिलाकर चाटने से जीभ के कारण होने वाला तोतलापन भी ठीक हो जाएगा।